अच्छा अम्मी की तरफ से मैं सॉरी करता हूँ, पता तो है तुम्हें पुराने ख्यालात की मालिक है अम्मी। वैसे हिबा को परमिशन मिल जाएगी। मुझे समझ ही नहीं आता वलीद, मैं ऐसा क्या करूं कि अम्मी मुझसे खुश हो जाए? उन्हें मेरी हर बात पर एतराज है। मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती, आप जानते हैं हमारी जरूरत। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें नौकरी छोड़ने की, और मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो अपनी बीवी को घर बिठा के रखे। ये नौकरी तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पे मिली है, अम्मी कोई बात समझनी चाहिए। तो मैं समझा दूंगा, लेकिन तुम मुझसे तो खफा ना हो प्लीज। मैं आपसे खफा नहीं हूँ। हाँ, पर हिबाई तो इस घर में मेरी ऑक्सीजन है। अब प्लीज अपने इस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए एक काम तो कर दो। मेरी पिंक शर्ट रखी है, प्लीज प्रेस कर दो। कल दोस्त का वलीम है, गांव जाने वाले हैं। गांव? तो मतलब आप कल ऑफिस नहीं जा रहे? वलीद, कल आपके डिपार्टमेंट की ओपन डिस्कशन है, आप क्यों कामरान को मौका देते हैं? वो सिर्फ ऐसे मौका ढूंढता है। आई नो ही जस्ट हेट्स मी। ऐसा नहीं है, अच्छा आदमी है वो, मेरा फेलो यूनिवर्सिटी में भी रहा है। आप प्लीज ये समझें कि आपकी छुट्टियों की वजह से आपकी परफॉर्मेंस। अच्छा, हम ऑफिस के मामला घर में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? या यू नो व्हाट, यू राइट, हम क्यों ऑफिस की बातें घर में डिस्कस कर रहे हैं? मेरे गरीब दोस्त ने कहा था कि अगर मैडम जीएम एचआर भी आ जाए तो उसे अच्छा लगेगा। तो मैं चलूंगी ना, बट नॉट एज जीएम एचआर, एज योर वाइफ। कहाँ चली? आपकी शर्ट प्रेस करने और अपनी साड़ी। आई लव यू। तुम्हें पता है तुम्हारी यही आदतें हैं जो मुझे तुम्हारा गुलाम बनाए रखती है। अम्मी ठीक कहती है, हूँ मैं जोरों का गुलाम ही, अच्छा लगता है मुझे।